हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित और आज हम बात करेंगे कि आप पिक्सल लैब से एक यूट्यूब का थंबनेल कैसे बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल HD क्वालिटी में, बेस्ट से बेस्ट। तो इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। तो गाइस सबसे पहले हम चलते हैं अपने और एक सर्कल को ले लेते हैं। तो गाइस हमने एक सर्कल को ले लिया। सर्कल को लेने के बाद हम इसको बड़ा कर देंगे, जैसा कि हमें ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम इसको कर लेते हैं एडजस्ट। गाइस देख लीजिए और उसके बाद आपको नीचे चले आना है। नीचे चले आने के बाद आपको कलर को कर लेना सिलेक्ट। तो गाइस जैसे ही हमने यहाँ पर एक कलर को कर लिया है सिलेक्ट, गाइस सिलेक्ट करने के बाद अब हम चलते हैं और एक यहाँ पर एक टेक्स्ट को ले लेते हैं। तो गाइस हम यहाँ पर एक चलेंगे और एक टेक्स्ट को ले लेंगे, जहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपने चैनल के लिए टी। तो गाइस देख लीजिए, मैंने गाइस यहाँ पर टी लिख ली। टी लिखने के बाद अब हम इसको बड़ा कर लेते हैं। तो गाइस देख लीजिए, तो गाइस हमने इसे कर लिया बड़ा। बड़ा करने के बाद तो गाइस हम यहाँ पर चलते हैं स्टाइल में और गाइस देख लेते हैं क्या हमारे इसके लिए कुछ बेस्ट स्टाइल यहाँ पर देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो गाइस देख लीजिए, तो गाइस हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ कलर। तो गाइस देख लीजिए कितने सारे बेहतरीन फॉन्ट आपको मिल रहे हैं। तो गाइस ये सब मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। तो गाइस देख लीजिए, मेरे तो ये सारे के सारे पहले से ही दिखे हुए हैं। तो गाइस मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर ये दिखा देता हूँ। और गाइस यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसमें कुछ भी कलर डाल सकते हैं। तो गाइस हम एक ले लेते हैं कलर। तो गाइस हमने ले लिया एक कलर और गाइस यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे को देखने को फॉन्ट वाला। अगर आप इसमें कुछ भी फॉन्ट को लगाना चाहें तो आप इसमें वो फॉन्ट भी कर सकते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर ये ले लिया है गाइस। और गाइस अब हम एक फॉन्ट को एक टेक्स्ट और लिखेंगे यहाँ पर जो होगा जी टेक ग्रुप के नाम का। तो गाइस चलिए हम एक टेक्स्ट और बना लेते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर लिख ली जी। तो जी को लिखने के बाद फिर से गाइस हम वही काम करेंगे, इसका साइज को देंगे बड़ा। तो गाइस हमने यहाँ पर इस साइज को दिया बड़ा और गाइस उसके बाद हम चलेंगे कलर वाले ऑप्शन में और एक कलर को ले लेंगे। तो गाइस हमने कलर को ले लिया है। कलर को लेने के बाद नीचे हम फॉन्ट पर जाएंगे और इसको बोल्ड कर देंगे। तो गाइस देख लीजिए, और गाइस बोल्ड करने के बाद अब हम चलेंगे इसके फॉन्ट को चेंज करने के लिए। तो गाइस हम इसको फॉन्ट को कर देते हैं चेंज। तो गाइस देख लेते हैं, तो गाइस देख लीजिए हमने इसके फॉन्ट को कर दिया चेंज। तो गाइस नीचे चलेंगे और 3D वाला एक ऑप्शन है, अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो गाइस देख लीजिए इसको गाइस एडजस्ट कर लेना है। और गाइस में देख लेते हैं, और गाइस इसके कलर को आप जैसा चाहे वैसा एडजस्ट कर सकते हैं। तो गाइस पर मैं अभी इसका यूज नहीं करूँगा, मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ कि आप इसका यूज कैसे कैसे कर सकते हैं। तो गाइस अगर इसमें स्ट्रोक लगाना चाहते हैं तो गाइस स्ट्रोक भी लगा सकते हैं। और गाइस देख लीजिए, आपको इसे अच्छी तरीके से बना लेना है, इसके साइज को एडजस्ट कर लेना है। तो गाइस जैसे ही आपको ये बन जाएगा आपको बहुत ही बेहतरीन दिखने वाला है। तो गाइस चलिए कलर में गाइस देख लीजिए, आपको इसके लिए बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे आपको इसके लिए बना लेने। तो गाइस देख लीजिए, और गाइस अब हम इसका एक अच्छा सा फॉन्ट और देख लेते हैं, ये शायद इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। और गाइस सबसे बड़ी बात, अगर आप इसका बैकग्राउंड नहीं रखना चाहते हैं तो आपको इसको बस सिंपली क्लिक कर देना और इसको कर देना सेव, सेव एज इमेज, और ये PNG फॉर्मेट में आपकी गैलरी में हो जाएगा सेव। तो गाइस इसी तरह आप बेस्ट से बेस्ट थंबनेल बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।